आपने ऐसे अट्रैक्टिव पॉडकास्ट थंबनेल्स तो जरूर देखे होंगे एंड उन्हें देख के आपके अंदर का डिजाइनर भी जगा होगा। फिर आपने भी थंबनेल बनाने का ट्राई किया होगा बट वो कुछ ऐसा बना। That you know and they ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand. But don't worry, मैं आपको 3 simple steps में eye catchy podcast thumbnails बनाना सिखाऊंगा। So let's get started. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये thumbnail बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो में से मैंने थोड़े शॉर्ट्स निकाल लिए हैं, स्नैपशॉट्स उनको आप बोल सकते हैं। तो ये 4 स्नैपशॉट्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं वीडियो में से। एक मेरा स्नैपशॉट है एंड देन एक उत्कर्ष का है, देन 2 स्नैपशॉट्स हमारे साथ के हैं, तो आप ये किसी भी वीडियो प्लेयर में से निकाल सकते हैं। एंड एक मेरा फोटो जिसका बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी रिमूव कर रखा है। एंड अगर आपको जानना है कि बैकग्राउंड मैंने कैसे रिमूव करा एंड इसको मैंने ऑलरेडी रीटच भी कर रखा है, तो अगर आपको जानना है कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करा एंड रीटच कैसे करा, देन आप मेरे प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं ये वाले। मेरे इमेज के बाद नाउ एक लोगो चाहिए होगा पॉडकास्ट के लिए उत्कर्ष के चैनल का, देन एक फोटोशॉप का लोगो चाहिए होगा एंड एक रैंडम कोई भी ऐसे सीन चाहिए होगा टू गिव ए डेप्थ। इसको हम आगे देखेंगे कि इस वाली फ़ोटो का क्या यूज़ हो सकता है, इसकी जगह हम और भी कोई सी भी फ़ोटो यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे को यही मिली तो मैंने डायरेक्ट इसको ही ले लिया। ओके, सो हियर वी आर इन फोटोशॉप। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर से मैं एक टेम्पलेट ले लूँगा विच इज़ विड्थ में 1920 एंड हाइट इज़ 1080 एंड रेजोल्यूशन 300 एंड देन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, तो हमारा कैनवस आ चुका है। नाउ हमारा सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें एक थंबनेल के लिए एक बेस क्रिएट करना होगा एंड इस थंबनेल के लिए मैं पर्पल एंड येल्लो कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा। बेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देन सॉलिड कलर चूज़ करना है एंड यहाँ से हमें पर्पल कलर चूज़ कर लेना है, देन आई विल क्लिक ऑन ओके। तो ये हमारा बैकग्राउंड पर्पल हो चुका है। देन उसके बाद हमें टूल बार में से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है एंड देन उसका स्ट्रोक यहाँ से हम रिमूव कर देंगे एंड फिल को हम येल्लो कर लेंगे लाइक दिस। तो नाउ हमने कलर्स चूज़ कर लिए, तो अब हम रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे। उसके लिए लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके माउस को ड्रैग करना है सिंपली, तो आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा थोड़ा इधर की साइड, थोड़ा लेफ्ट साइड में थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। ओके, नाउ कंट्रोल जे प्रेस करेंगे इस रेक्टेंगल का एक कॉपी बनाने के लिए। रेक्टेंगल जो हमने बनाया वो एक शेप है, तो शेप पे हम शेप का जो थंबनेल है इधर आप थंबनेल लेयर्स वाले पैनल में देख सकते हैं, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो इसकी थंबनेल पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कलर चूज़ करने के लिए हमसे पूछेगा, तो मैं यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट कर लूँगा लाइक दिस। ओके, हमने जो वाइट कलर चेंज करा है रेक्टेंगल का वो हमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि येल्लो वाला जो रेक्टेंगल है वो हमारे वाइट वाले रेक्टेंगल के ऊपर वाली लेयर पे है, तो सेम उसकी क्योंकि हमने कॉपी बनाया था तो उसकी सेम विड्थ थी, इस वजह से उसने उसको पूरा कवर कर लिया है, तो येल्लो वाला ऊपर दिख रहा है हमको। अब हम क्या करेंगे, एक तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे उसके जो येल्लो वाला रेक्टेंगल है उसके साइड में बॉर्डर बनाएंगे वाइट कलर का। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हम उसकी जो विड्थ है नीचे जो वाइट वाला रेक्टेंगल है उसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा देंगे, तो एक तरह से हल्का हल्का वहाँ पे बॉर्डर दिखेगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वाइट वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे टू ट्रांसफॉर्म इट एंड इसको ऑल्ट होल्ड करके अपन इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। नाउ आप देख सकते हैं एक तरह से वाइट बॉर्डर्स यहाँ पे आ चुके हैं, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। तो अब हम वाइट वाले रेक्टेंगल पे ना थोड़ा ग्लो ऐड करेंगे, मतलब उसके सराउंडिंग में थोड़ा ग्लो ऐड करेंगे येलो कलर का ग्लो। तो हमने वाइट वाला रेक्टेंगल इसलिए बनाया ताकि ऐसे लगे कि वो एक नियॉन लाइट का से स्ट्रिप सी है पतली सी, तो लाइक दैट उस तरीके का इफेक्ट करने के लिए बनाया है, सिंपल उस तरीके का एक सिंपल इफेक्ट बनाने के लिए हमने किया है। तो अब ग्लो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो व्हाइट वाला रेक्टेंगल है उसकी लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड उस पर डबल क्लिक करेंगे, इससे लेयर स्टाइल्स वाला पैनल हमारा ओपन हो जाएगा। नाउ हमको चूज करना है आउटर ग्लो, इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम इसका कलर चूज कर सकते हैं, देन कलर चूज करेंगे, देन हम यहाँ से पिक कर लेंगे कलर पिकर से एंड इसको येल्लो कर लेंगे, देन आई विल क्लिक ऑन ओके। देन आपको नॉइज़ जो है वो आपको एकदम बंद कर देना है, मतलब नॉइज़ मतलब उसमें ग्रेन टाइप दाने दाने से जो आ रहे हैं आप देख सकते हैं, तो ये हटा ये नॉइज़ के थ्रू आते हैं, तो अभी हमको इसकी नॉइज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे बिल्कुल ही। एंड मैं थोड़ा ओपेसिटी को थोड़ा डाउन कर दूंगा एंड साइज़ को थोड़ा इस तरह से डाउन कर दूंगा एंड बाकी सब ठीक है, तो आई विल क्लिक ऑन ओके।
नाइस तो हमारा थोड़ा हल्का सा जैसे हमने थंबनेल में देखा था वैसा थोड़ा बन चुका है. नाउ हम इसमें टेक्स्ट के लिए एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे, लाइक टेक्स्ट हमारा हाईलाइट होना चाहिए ना बैकग्राउंड से. तो उसके लिए हम एक और रेक्टेंगल बनाएंगे डार्क कलर का. जैसे हमने ये रेक्टेंगल बनाया, हमने वर्टिकल बनाया, नाउ हॉरिजॉन्टल बनाएंगे राइट साइड में ताकि टेक्स्ट उसके ऊपर डाले तो हाईलाइट हो. तो उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे एंड फिल कलर में हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे. तो हम चाहते हैं कि ये जो हमने अभी रेक्टेंगल्स बनाए हैं, जो डार्क वाला रेक्टेंगल रहेगा वो इनके पीछे रहे. तो हम क्या करेंगे, लेयर्स वाले पैनल में हम उसके नीचे रेक्टेंगल, उसके नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर रेक्टेंगल बनाएंगे. मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है. तो हम यहाँ पे कलर फिल वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके ऊपर हम इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे ताकि ये रेक्टेंगल हमारी जो दूसरे वाला येल्लो रेक्टेंगल है उनके नीचे रहे. लाइक दिस, आप देख सकते हैं कि उनके नीचे है. मैं इसको ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूंगा इसको रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके. राइट ओके, तो हमारा बेस जो है वो रेडी हो चुका है. हमने बेस थंबनेल का बना लिया है, बैकग्राउंड थंबनेल का बना लिया है. नाउ हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज इमेजेस ऐड करना और टेक्स्ट ऐड करना. तो उसके लिए सिंपली मैं सबसे पहले मैं मेरा इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा लाइक दिस एंड मैं इसको यहाँ पर येलो रेक्टेंगल के ऊपर प्लेस कर दूंगा लाइक दिस. नाउ हम बाकी इमेजेस ऐड करेंगे, उसके लिए आई विल सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप हियर एंड इसको यहाँ पर थोड़ा इस तरह से लगा देंगे. तो ये एक तरह से स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर आया है. तो इसका हमको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट की जो लेयर थंबनेल है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो फोटोशॉप में ओपन कर देगा लाइक दिस, जिसमें सेपरेटली ओनली वही वाली हमारी फोटो रहेगी. तो हम इसको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे टूल बार में से. देन यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, देन वहाँ पे उसको ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से क्लाउड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे सो दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल रिजल्ट्स के लिए डिटेल सिलेक्शन होगा जिससे हमारा. तो मैं यहाँ पर ये क्लाउड डिटेल रिजल्ट को सिलेक्ट कर लूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन सेलेक्ट सब्जेक्ट. नाउ हमारा सिलेक्शन अब रेडी है. तो हम इसका लेयर मास्क बनाएंगे ताकि बैकग्राउंड रिमूव हो जाए. तो उसके लिए यहाँ पे हम बॉटम राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो कि एक इस तरीके से एक बटन है लेयर मास्क का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है. नाउ हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे टू सेव इट ताकि ये वहाँ पे अपडेट हो जाए, यहाँ से सेव होके वहाँ पर अपडेट हो जाए. ओके, तो इसको सेव करने के बाद हम इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे. आप देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है बट ये जो है हमारी इमेज के ऊपर आ रहा है, हमारी मेन इमेज के ऊपर आ रहा है. तो मेन इमेज के पीछे ले जाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारी जिस लेयर को हमको पीछे लेके जाना है उसको पकड़ के हम उस वाली लेयर के नीचे ले जाएंगे लाइक दिस एंड कंट्रोल टी प्रेस करके इसको छोटा कर लेंगे लाइक दिस एंड इसको एडजस्ट कर लेंगे. इसी तरीके से हम दूसरी वाली इमेज जो है उसको भी इम्पोर्ट करेंगे एंड उसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे. नाउ हम इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल जी प्रेस करेंगे ताकि इनका एक ग्रुप बन जाए. नाउ हम इन दोनों इमेजेस को ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे. ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है देन यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट को सिलेक्ट कर लेना है. नाउ आप देख सकते हो कि अपना पूरा बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है. और ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हुआ है, क्योंकि हमने सारी लेयर्स पे वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली लेयर जा चुकी है, हमने जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली लेयर क्रिएट करी है तो वो सारे पीछे वाली लेयर पर अप्लाई हो चुका है. हमको क्या करना है, हमने जो ग्रुप बनाया है उन दोनों इमेजेस का ओनली उसमें उसको लिमिटेड रखना है कि हाँ उसमें ही ब्लैक एंड व्हाइट ऐड हो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा साइड करता हूँ मैं, ग्रुप वाली लेयर पर ही इसको रखना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है दैट इज इसको हम बोलते हैं क्लिपिंग मास्क. तो इससे क्या होता है कि उसके जो नीचे वाली लेयर है बस वो उसमें ही लिमिटेड रह जाता है. तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हो कि ओनली उस ग्रुप पे ही लिमिटेड हो चुका है ब्लैक एंड व्हाइट. राइट, जैसा हमें चाहिए था वैसा है. तो इसको यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा प्रॉपर्टीज को. नाउ मैं इस रेक्टेंगल को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस. नाउ हम टेक्स्ट ऐड करेंगे. टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम टूल बार में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको टी दिख रहा होगा छोटा सा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा. नाउ हम यहाँ पे लेके आएंगे इसको, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक एंड यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो जाएगा. नाउ मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा. यहाँ पे ऊपर आप नेव बार में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम फॉन्ट का नेम डाल सकते हैं. तो यहाँ पे मैं डालूंगा बेबस फॉन्ट को यूज करूंगा, बेबस को BEBAS एंड हियर इज द फॉन्ट एंड इसमें मैं टाइप कर दूंगा हाउ टू स्टार्ट ए करियर एंड कंट्रोल टी प्रेस करके इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लूंगा. ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लूंगा. नाइस, तो टेक्स्ट ऐड हो चुका है हमारा. ओके, तो अब मुझे बैकग्राउंड थोड़ा लाइट पिंकिश थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूंगा. तो अब हम इसमें फोटोशॉप का आइकन ऐड करते हैं यहाँ पे.
तो उसके लिए क्या करेंगे, ड्रेस सिंपली फोटोशॉप का जो आइकन है उसको यहाँ पर फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे एंड इसको थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। नाउ ये हमारे लेयर्स के ऊपर सबसे ऊपर आ रहा है, तो आपको पता ही है किस तरीके से पीछे इसको लेके जाना है, कौन सी लेयर के पीछे लेके जाना है। तो हमारा जो ये वाला ग्रुप है इसके पीछे लेके जाना है हमें, तो उसके लिए हम इस वाले फोटोशॉप वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड इस ग्रुप के पीछे यहाँ पर ले आएंगे लाइक दिस। ओके, एंड कंट्रोल टी प्रेस करके इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। नाउ हम कलर फिल वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड हमारे जो स्नैपशॉट्स थे दूसरे उनको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लाइक दिस एंड इसको थोड़ा एडजस्ट करके इधर पीछे की साइड लगा देंगे। इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम डाउन कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। इसी तरीके से मैं दूसरा भी यहाँ पर लगा देता हूँ। अब हम उत्कर्ष के चैनल का लोगो एंड उसका नेम यहाँ पर लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल टूल पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर मैं इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ क्योंकि हमें व्हाइट वो चाहिए बैकग्राउंड। यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करके मैं इसको एक सर्कल बना लूंगा। तो अब इसकी कॉपी बनाएंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस जे। नाउ इस जो ऊपर वाला सर्कल है दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। तो मैं ऊपर वाले सर्कल को सिलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल टी प्रेस करके इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा ताकि जो नीचे वाला, जैसे हमने येलो वाले रेक्टेंगल में एक तरह से उसके स्ट्रोक क्रिएट करा था, उस तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे व्हाइट स्ट्रोक उसका क्रिएट हो चुका है। नाउ हम चैनल का लोगो लेंगे एंड उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड उसको सर्किल के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देंगे एंड हम चाहते हैं कि जो लोगो है वो सर्किल के अंदर हो, सर्किल के ऊपर वाली पीछे वाली सरफेस और किसी चीज को इफेक्ट नहीं करे। जैसे कि हमने क्लिपिंग मास्क ब्लैक एंड व्हाइट किया था, सेम उसी तरीके से हम इसको क्लिप करेंगे। फिर आप ये पूछोगे कि देवेश इसमें क्लिपिंग मास्क का प्रॉपर्टीज की तरह ऑप्शन तो आ नहीं रहा है जैसे वहां पे आ रहा था, तो हम क्लिप मास्क कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपकी लोगो वाली जो लेयर होगी उसको सिलेक्ट करना है, देन ऑल्ट होल्ड करना है एंड जो इन दोनों के बीच में लोगो और एलिप्स के बीच में जो पतली सी लेयर की सेपरेशन है ना, ये लाइन जो दिख रही है दोनों को सेपरेट कर रही है, तो इसके ऊपर एरो को लेके आना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे क्लिप मास्क वाला आइकन आए आपको वहां पे उसको छोड़ देना है, तो आप देख सकते हैं कि लोगो सर्किल में क्लिप हो जाएगा। नाउ हम इलिप्स को नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, टूल बार में से हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे एंड इसके एजेस को थोड़ा इस तरीके से राउंड कर देंगे। नाउ हम इसमें चैनल का नेम डालेंगे एंड मैं टी प्रेस करूंगा फॉर टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट होता है टी, कीबोर्ड में आप टी प्रेस करोगे देन आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं नेम टाइप कर दूंगा एंड मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा टू ब्लैक। आई विल क्लिक ऑन ओके एंड इसको सबसे ऊपर ले आऊंगा एंड इसको कंट्रोल टी प्रेस करके कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। राइट, फॉन्ट चेंज कर देता हूँ टू दिस। राइट, तो मैं जो हमारा ये लोगो है एंड इसका नेम है तो ये सबको ग्रुप कर लूंगा ताकि मैं इसको एक बार में पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करके इधर से उधर अगर मूव करना हो तो मूव कर सकता हूँ। तो मैं लाइफ ड्यूटी को सिलेक्ट करूंगा एंड एलिप्स टूल तक हमारा ये जो चैनल का वो है लोगो वो है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा एंड एलिप्स टूल को सिलेक्ट करूंगा। इससे क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो लेयर्स रहेंगी तो वो सारी भी सिलेक्ट हो जाएंगी लाइक दिस। तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा एंड इसको ग्रुप कर लूंगा एंड इसको मैं एरो से कीबोर्ड पे कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लूंगा। अब हम इस येलो रेक्टेंगल के पीछे, मैंने बताया था ना कि डेप्थ थोड़ा क्रिएट करना है। नाउ हम येलो रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके ऊपर हमने जो कार वाली वो थी इमेज, तो उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लाइक दिस एंड इसको रेक्टेंगल के ऊपर लगा देंगे। नाउ हम ये नहीं चाहते कि ये बाकी चीजों को इफेक्ट करे, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिप करेंगे रेक्टेंगल के अंदर ही। तो क्लिप कैसे करते हैं, ऑल्ट होल्ड करेंगे एंड दोनों के लेयर के बीच की जो लाइन है सेपरेशन है वहां पर हम कर्सर को लेके जाएंगे। तो जैसे ही वहां पर क्लिपिंग मास्क वाला आइकन आता है तो हम वहां पे उसे छोड़ देंगे लाइक दिस। तो ये हमारी लेयर रेक्टेंगल में क्लिप हो चुकी है। नाउ जो हमारी इमेज है इसकी हम ओपेसिटी को कम करेंगे, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी ओपेसिटी अराउंड 17% कर देंगे। राइट, नाउ हम इस पे ब्लर ऐड करेंगे बाय गोइंग टू फिल्टर देन ब्लर देन गॉशियन ब्लर एंड इसको अपने अकॉर्डिंग ब्लर लगा लेंगे। नाउ आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा प्लेन था पहले रेक्टेंगल, अब थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट हो चुका है इसके अंदर, तो इस वजह से हमने इस इमेज का यूज करा था। आप कोई सी भी अदर इमेज का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेप दैट इज एडिंग इमेज एंड टेक्स्ट कम्प्लीट हो चुका है। नाउ हम लास्ट स्टेप पे है जो कि इस पूरी थंबनेल को एकदम पॉपिंग बना देगा, एकदम अट्रैक्टिव बना देगा। सो लेट्स सी वो क्या है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ हम थंबनेल को ओवरऑल अच्छी वाइब देने के लिए हम थोड़ी छोटी मोटी चीजें ऐड करेंगे। फॉर दैट हमको एक न्यू लेयर बनाएंगे बाय क्लिकिंग ऑन दिस न्यू लेयर आइकन एंड यहाँ पर मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करूंगा देन यहाँ पर ब्रश का राइट क्लिक करके ब्रश का साइज इंक्रीज करूंगा एंड ओपेसिटी को अराउंड 13% कर दूंगा एंड ब्रश का साइज इंक्रीज करके कुछ इस तरह से यहाँ पर पेंट करूंगा एंड यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा फॉर येलो कलर एंड यहाँ से ऑल्ट होल्ड करके हम येलो कलर सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कुछ
कुछ इस तरीके से हल्का हल्का टैप कर देंगे। नाउ हम पर्पल कलर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड वहां से थोड़ा कलर लेके कुछ इस तरह से यहाँ पे अलग अलग जगह पे थोड़े टैप्स कर देंगे। तो ओके, तो थोड़ा हमारे जो दोनों इमेजेस है उनको थोड़ा बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए उनके पीछे भी थोड़ा व्हाइट, एक तरह से व्हाइट हेज इफेक्ट क्रिएट करेंगे। के लिए आपको क्या करना है कि ग्रुप के नीचे वाली जो लेयर है उस पे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड यहाँ से मैं व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लूंगा एंड पीछे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। राइट, तो आप देख सकते हैं थोड़ा पहले से थोड़ा और अच्छा लग रहा है थंबनेल हमारा। ओके, तो नाउ इट्स टाइम फॉर द रियल मैजिक जो कि होता है कैमरा रॉ फिल्टर में। कैमरा रॉ फिल्टर ऐड करने के लिए हम सबसे पहले हमारी सारी लेयर्स का एक मर्ज लेयर बनाएंगे। तो मर्ज लेयर कैसे बनाते हैं, तो आप सबसे ऊपर वाली जो लेयर रहेगी अपने टॉप वाली लेयर जो रहेगी हमारे लेयर्स पैनल में उस पर क्लिक करेंगे एंड कीबोर्ड में हम कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई इन चारों को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये हमारे थंबनेल की एक मर्ज लेयर क्रिएट कर देगा। नाउ हम इस वाली लेयर पर राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अगर फ्यूचर में हमको इसमें थोड़ी कैमरा रो के फिल्टर्स को थोड़ा एडजस्ट करना होगा तो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू वो इजिली कर सकते हैं। नाउ हम फिल्टर पर क्लिक करेंगे देन कैमरा रो फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर में आपको अपने अकॉर्डिंग जो एडजस्टमेंट करने हैं वो आप कर सकते हैं। कैमरा रॉ फिल्टर बेसिकली कलर्स को मोर पॉप कर देता है, थोड़ी कॉन्ट्रास्ट ऐड करनी हो, डिटेलिंग एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं कैमरा रॉ फिल्टर के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा एंड यहाँ पर डिटेल्स में जाके हम थोड़ी शार्पनिंग भी ऐड कर देंगे जिससे थोड़ी जो हमारी थंबनेल है वो एकदम शार्प हो जाए। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट एंड अब हमारा थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। वेट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला देन इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।